आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पास्ता। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये पास्ता आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसमें हम ढेर सारी सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। अगर आपके भी बच्चे टिफ़िन बॉक्स में पास्ता ले जाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से पास्ता बनाकर उन्हें ज़रूर दें, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इस शेप के ले लिए हैं पास्ता, इसे हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। पास्ता ले लिए हैं, इसमें डालेंगे पानी, फिर थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी तेल। तेल से जो है पास्ता उबलते वक्त चिपकता नहीं एक दूसरे के ऊपर। इसे बॉईल होने के लिए हम रख दिए हैं, 50% ये कुक हो गया है। इसे बीच में एक बार चला दें। फिर हम यहाँ पे सब्जियाँ कट कर लेंगे, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन। यहाँ पे प्याज कट कर रहे हैं। फिर शिमला मिर्च कट कर लेंगे। मिर्च कट कर लेंगे। लहसुन कट कर लेंगे। इधर पास्ता भी बॉईल हो गया है, इसे चेक कर लेंगे। फिर इसे ठंडे पानी में डालकर हम निकाल के रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल, जीरा, लहसुन, मिर्च। इसे थोड़ी सी भूनेंगे हम। फिर हम डालेंगे प्याज। हमें लहसुन, मिर्च, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम थोड़ी सी ही भूनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमें लास्ट में ही ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा पक ना जाए, क्रंची रहे हल्का। फिर हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम टमाटो सॉस, सोया सॉस। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें टमाटो सॉस बस डाल सकते हो। फिर इसमें हम जो बॉईल किए थे वो पास्ता डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे मसाला, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पास्ता के साथ। ऊपर से थोड़ी सी पास्ता मसाला और डालेंगे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी पास्ता बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना था। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।